नमस्कार, आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 29 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म 29 जनवरी 1896 माघ पूर्णिमा को ग्राम बाजिदपुर, जिला फरीदपुर, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता विष्णु चरण दास एवं माता शारदा देवी शिव भक्त थे। संतान न होने पर उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। इस पर भोले शंकर ने उनकी माता को स्वप्न में दर्शन देकर स्वयं उनके पुत्र रूप में आने की बात कही। बुधवार को जन्म लेने के कारण उन्हें बुद्धो कहा जाने लगा। जन्म के समय बालक रोया नहीं, वह किसी की गोद में नहीं जाता था, भूख लगने पर भी चुप रहता था। सबको चिंता हुई कि लड़का कहीं गूंगा बहरा तो नहीं है। वे लोग नहीं जानते थे कि इस अवस्था में भी शिशु 5-6 घंटे ध्यान करता था। कुछ बड़े होने पर कभी कभी वे गायब हो जाते थे और खोजने पर बाग में पेड़ के नीचे ध्यानरत मिलते। कभी कभी वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसे पूजते थे। आगे चलकर उनका नाम विनोद रखा गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके ध्यान का समय भी बढ़ता गया। माता पिता ने उन्हें गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिया, पर वहां भी वे ध्यानमग्न ही रहते थे। वहां की पढ़ाई खत्म होने पर उन्हें एक अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती किया गया। वे कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठते थे और नाम पुकारने पर ऐसे बोलते थे जैसे नींद से जागे हों। उन्हें शोर और शरारत पसंद नहीं थी, फिर भी वह सब बच्चों और अध्यापकों के प्रिय थे। बलिष्ठ होने के कारण खेलकूद में हर कोई उन्हें अपने दल में रखना चाहता था। क्रांतिकारियों से संपर्क के कारण एक बार पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। उन्हें कई महीने तक जेल में रहना पड़ा। वे अपने विप्लवी प्राचार्य संतोष दत्त से प्राय संन्यास लेने की बात कहते थे। इस पर प्राचार्य ने उन्हें गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ के पास भेजा। उन्होंने विनोद को 1913 ईस्वी में विजयदशमी के दूसरे दिन ब्रह्मचारी की दीक्षा दी। अब तो वे कई कई घंटे समाधि में पड़े रहते। उनके गुरुजी ही उन्हें बुलाकर कुछ खिला देते थे। गोरखपुर में 8 महीने रहकर गुरुजी के आदेश से वे काशी आ गए। यहां से वे अपने जन्म स्थान बाजिदपुर लौट गए। उन्हें 1916 ईस्वी में माघ पूर्णिमा को शिव तत्व की प्राप्ति हुई। इसके एक साल बाद उन्होंने गरीब, भूखे, असहाय और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए बाजिदपुर में आश्रम की स्थापना की। सन 1919 में बंगाल में भारी चक्रवात आया, जिसमें उन्होंने व्यापक सहायता कार्य चलाया। उनका दूसरा आश्रम मदारीपुर में बना। उन्होंने 1924 ईस्वी में पौष पूर्णिमा के दिन स्वामी गोविंदानंद गिरी से संन्यास की शिक्षा ली। अब उनका नाम स्वामी प्रणवानंद हो गया। उसके बाद उन्होंने गया, पुरी, काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर संघ के आश्रमों की स्थापना की। तभी से भारत सेवाश्रम संघ विपत्ति के समय सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने समाज सेवा, तीर्थ संस्कार, धार्मिक और नैतिक आदर्श का प्रचार, गुरु पूजा के प्रति जागरूकता जैसे अनेक कार्य किए। स्वामी प्रणवानंद जी जाति भेद को मान्यता नहीं देते थे। उन्होंने अपने आश्रमों में हिंदू मिलन मंदिर बनाए। इनमें जातिगत भेद को छोड़कर सब हिंदू प्रार्थना करते थे। सबको धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदू रक्षा दल गठित किया। इसका उद्देश्य भी जातिगत भावना से ऊपर उठकर हिंदू युवकों को व्यायाम और शस्त्र संचालन सिखाकर संगठित करना था। इन दिनों भारत सेवाश्रम संघ के देश विदेश में 75 आश्रम कार्यरत हैं। 8 जनवरी 1941 को अपना जीवन कार्य पूरा कर उन्होंने देह त्याग दी।
अब उनके बताए आदर्शों पर उनके अनुयायी संघ को चला रहे हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।